हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। सो आज हम लेंसेज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, एक दूसरे मतलब क्या पारदर्शी मींस हम आर पार का देख सकते हैं, ठीक है। बाउंडेड बाई टू सरफेसिस, दो सरफेसिस से जो बाउंड होता है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसिस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस, और उन दोनों से ही एक या दोनों सरफेस जो है इसके क्या हों, स्फेरिकल हों, और उनसे क्या बनता है, लेंस बनता है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। जैसे हमारे पास दो तरह के बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स थे, एक प्लेन मिरर था और दो स्फेरिकल मिरर थे। स्फेरिकल मिरर में भी कन्वेक्स मिरर थे और कनकेव मिरर थे। ऐसे ही लेंस में भी तुम्हारे पास दो स्फेरिकल लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बल्जिंग आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड की तरफ बल्ज होता है, और कनकेव जो होता है बल्जिंग इनवर्ड्स होता है, मतलब अंदर की तरफ बल्ज होता है, मतलब कर्व्ड होता है अंदर की तरफ, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और जो कनकेव लेंस है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। एक बात याद रखना आप कि जो कनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग था, और यहाँ पर कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं, मतलब जो कनकेव मिरर है वहाँ वो यहाँ कन्वेक्स मिरर हो, कन्वेक्स लेंस होगा, दोनों सेम चीज़ें चलेगी दोनों की, और जो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर था वो सेम यहाँ पर कनकेव लेंस होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब कन्वेक्स जो लेंस है यहाँ पर वो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ पे बोलते हैं, और वहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस कौन सा था, कनकेव मिरर था वहाँ। आई बात समझ में? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअली ये क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कर्व्ड शेप, और इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ थिकर एट द सेंटर। ये अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट वाला तो थिकर है ना, सेंटर से थिकर है, और एजिस से क्या है, थिनर है, ठीक है। वेयर एज कॉन्केव लेंस क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट, वो आपको दिख रहा है ना, थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजिस। जो सेंटर से तो थिन हो और एजिस से क्या हो, थिक हो। बात समझ में आई? और कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज करता है रेज को, और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है रेज को। आई बात समझ में? ठीक है, और मिरर इनके अपोजिट है, जो कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं वहाँ पे कनकेव मिरर की बात होती थी, और यहाँ पर जो कनकेव लेंस की बात हो रही है वहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात होती थी। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो भी समझाया वही है, ए लेंस बाउंडेड कनकेव लेंस, देखो ए लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। इस स्फेरिकल सरफेस कैसे बोलते हैं हम, कि एक ऊपर भी मैंने लेंस की डेफिनेशन में बोला ना, एक या दोनों वो सरफेसेस आर स्फेरिकल होने चाहिए। देखो अगर मान लो ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, ठीक है, अब इस कहते हैं कि एक पार्ट या दोनों पार्ट इसके स्फेरिकल होने चाहिए। अगर मैं इस पार्ट को लूँ, इस पोर्शन को सिर्फ, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ आगे, तो ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है या स्फेरिकल लेंस का पार्ट है। अगर सेम मैं इसको ड्रॉ आगे प्रोड्यूस कराऊँ तो ये भी एक स्फेरिकल का पार्ट है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, स्फीयर, या एक या दोनों उसका पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही जब मैं कनकेव लेंस जो करता हूँ, कनकेव लेंस इस तरीके से होता है ना,
अब इसका भी एक पार्ट ये ले लिया, तो इसका ये भी एक उसका पार्ट है, स्फेरिकल का, स्फीयर का पार्ट हो गया ना ये भी, और दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, स्फीयर का हो गया। समझ में आई? तो एक या दोनों पार्ट जो है वो किसके होने चाहिए, स्फीयर के होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट। देन वी हैव कि इट इज कनकेव को हम क्या बोलते हैं कि ये एक डाइवर्जिंग है, जबकि कॉन्वेक्स क्या है, एक कन्वर्जिंग है। ठीक है, सो कुछ टर्म्स आती हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आती हैं, और उसको करने से पहले यहाँ पर देखो कि जो कनकेव लेंस है, ए लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। अब पता चला स्फेरिकल सरफेसेस कैसे हुए। ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड्स इज नोन एब्सोल्यूट ए डबल कनकेव लेंस और सिंपली कनकेव लेंस, तो उसको कनकेव लेंस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जिज द लाइट। और कॉनवेक्स में क्या होता है कि वो कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस, इसमें एक है C1, दैट इज फर्स्ट सेंटर। सेंटर को जो C1 का क्या मतलब है यहाँ पे, ये देखो एक बारी, C1 का मतलब फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट सेंटर कैसे, इसका सेंटर, ये देखो इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर C1 हो गया, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर C2 हो गया, तभी यहाँ पे ये C1 और C2 है। ठीक है, और इनको नाम लेंस में क्या दे देते हैं, 2F1 और 2F2, ये नाम दे देते हैं लेंस के। क्या होते हैं, दो फोकस F1 और F2। वहाँ पर क्या होता था, मिरर का पोल होता था सेंटर, यहाँ पे जो सेंटर होता है लेंस का उसको क्या बोलते हैं, हम ऑप्टिकल सेंटर, और उसको कैसे डिफाइन मतलब डिनोट करते हैं, लेटर कैपिटल O से। ठीक है, बात समझ में आई। अब वहाँ पे पोल से फोकस तक की जो दूरी होती थी फोकल लेंथ होती थी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है फोकस का, उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ, ये दिख रहा। ओके, नाउ जो यहां ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं उसको हम, रेडियस। वो रेडियस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रखी है, आर से। और जो लाइन सेंटर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ये पास कर रही हो, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम कॉनकेव के लिए ऑप्टिकल सेंटर हो गया सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, दो फोकस होते हैं लेंस के, एक F1 और F2, और C1 और C2 सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिनको नाम क्या दे देते हैं हम, 2F1 या फिर 2F2। C1 से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्टिकल सेंटर से C1 का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो सारी किसको कर रही हो, पास कर रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से। बात समझ में आई? ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल एफ।
और कैपिटल एफ से मैंने पहले भी बताया था किसको डिफाइन करते हैं, मतलब किसको डिनोट करते हैं, फोकस पॉइंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।